खिदिरपुर के कांटा पकोड़ के डेवस क्वार्टर में स्थित मनानाजत प्राइमरी स्कूल में एक अवार्ड सेरेमनी और मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये आयोजन मौलानाजाद एडुकेशन लाइब्रेरी के बानी डॉक्टर अली शेर खान के जानिब से किया गया। इस प्रोग्राम के खास मेहमान वार्ड 79 के काउंसिलर राम प्यारे राम, वार्ड नंबर 80 के काउंसिलर जनाब अनवर खान, सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल के सेक्रेटरी अनवर प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता इलियास इस्लाही, श्री मृत्युंजय मिश्रा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर और भी दीगर मेहमान मौजूद थे। खिदिरपुर इलाका है, अब बढ़ती आबादी को देखते हुए लाइब्रेरी का जो एरिया है ना बहुत छोटा है। आप चले जाइए सैयद अमीर अली लाइब्रेरी, यहाँ पर इकबालपुर रोड के ऊपर में सोलाना का पास है, वो WBCS लोग वहाँ पे लाइब्रेरी में शाम शाम को आते हैं। यहाँ पे लोग बच्चे अपने बच्चों को ये शौक ही नहीं है कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े। देखिए इतना बड़ा लाइब्रेरी में जो है, यहाँ मौलाना एजुकेशनल लाइब्रेरी जो यहाँ पे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम से जो है लाइब्रेरी चल रहा है, लेकिन ये लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने आएंगे तब तो यहाँ पे गार्जियंस अपने बच्चों को खुद ही जो है नहीं भेजना चाहते लाइब्रेरी में। तो पहले के बच्चे आके पढ़ा करते थे, लेकिन आज लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा, क्योंकि उससे पता नहीं बहुत ज़्यादा अमेरिका में जाके वो लोग जॉब करेंगे, इसलिए इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए लाइब्रेरी की तरफ में आना पसंद नहीं करते हैं, यही वजह है। मस्जिद तो बना दी सब भर में ईमा के हरारत वालों ने, ये दिल तो पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन ना सका, यही माइनस लाइब्रेरी जीरो, क्योंकि राधा कृष्ण ने कहा था बहुत बड़े फिलासफर ने कि अगर लाइब्रेरी का ज्ञान नहीं है तो वह इंसान के पास आंख रहते। बड़े अफसोस की बात ये है कि तालीम की तरफ जो तवज्जो होनी चाहिए और तालीम की तरफ जो लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, फिनंशियल प्लस सपोर्ट, ये ना हम लोग इसको अब तक महसूस किया है, ना हमारे लीडरों ने महसूस किया है, और हुकूमत क्यों करनी चाहिए, हुकूमत का तो प्रायोरिटीज़ अलग अलग है। इसलिए तालीम अभी भी तवज्जो का मुस्तहिक है, इसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए। अब बिला इम्तियाज़ मजहब व मिल्लत तालीम के का फ़रोग हो और तालीम की क्वालिटी उसके मायार का फ़रोग हो, सब लोग मिल के अगर इसको तवज्जो देंगे इसकी तरफ, एंड इट विल बी द फर्स्ट आइटम ऑफ आवर बजट, तभी ये काम आगे बढ़ेगा। जैसे तालीमी सिलसिले में लाइब्रेरी की बड़ी अहमियत रही और उन स्टूडेंट के लिए या उस रीडर के लिए जिनकी माली हालत ठीक नहीं है या जो किताब खरीद नहीं सकता है, लाइब्रेरी उनके लिए बहुत मुनासिब मौका फराहम करती है कि लाइब्रेरी जिसको हम इल्म का खजाना कहते हैं और जितने मशाहिर आले कलम हुए हैं या जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं सबों ने लाइब्रेरी से फ़ायदा हासिल किया और उनकी कामयाबी के पीछे लाइब्रेरी का अहम रोल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में 1979 में ये इलाका चूँकि तालीमी एतबार से बड़ा पसमानदा था, 1973 में जब ये स्कूल मैंने कायम किया तो उसके साथ ही मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि स्कूल के साथ साथ लाइब्रेरी की भी ज़रूरत है, और ये बिल्कुल पसमानदा इलाका था। हमारे यहाँ जो पर्सनल कलेक्शन था उसको ले करके ऑफिस में मैंने एक लाइब्रेरी की बुनियाद डाली कि उन बच्चों के साथ जिनके पास किताबें नहीं हैं, सिर्फ उतना ही नहीं, हमारे यहाँ 45-46 साल से जामे और अलीगढ़ का सेंटर भी है, उन गरीब बच्चों का जिनके पास कोई किताब नहीं खरीद सकते हैं उनको भी हमारी लाइब्रेरी बहुत सी किताबें फराहम करती है और वो इस्तफादा हासिल करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि तालीमी मैदान में लाइब्रेरी की मुसल्लम हैसियत है और लाइब्रेरी जो है वो तालीम को आगे बढ़ाने में फ़रोग देने में नुमाया, लेकिन बदकिस्मती यह है कि 81-82 साल के बाद 1981-82 के बाद हुकूमत ने एक भी लाइब्रेरी को मंजूरी नहीं दिया,
और अफसोस की बात यह है, कल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर से यही बात हो रही थी कि हमारे यहाँ प्यून 2004 में रिटायर हुआ और अब तक गवर्नमेंट ने पोस्ट नहीं दिया। लाइब्रेरियन 2016 में रिटायर हुआ, अब तक लाइब्रेरियन नहीं आया, दूसरा आदमी रहता लाइब्रेरी बंद हो जाती। लेकिन आज भी तमाम मसरूफियत के बावजूद 2 घंटा हम लाइब्रेरी खोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि लाइब्रेरी को हमने बनाया है, उससे मोहब्बत है, किताब से मोहब्बत है, इसलिए 2 घंटा हम खुद वक्त देते हैं और शाम को लाइब्रेरी खोलते हैं। इसलिए जो ज़रूरतमंद है उनकी अगर हम खिदमत कर सकें, उनको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं लाइब्रेरी के ज़रिए, स्कूल के ज़रिए, वो हम अपनी ड्यूटी करते हैं। सबसे बड़ी वजह जो है आज जो लाइब्रेरी लोगों की दिलचस्पी कम हुई है, ये मोबाइल, व्हाट्सएप और इंटरनेट। आज कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट किताब पढ़ने को पसंद नहीं करता है, वो गूगल से अपना सवाल का जवाब तलाश करता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो नेट या गूगल या जिस तरह से, तो आज की तालीम जो है वो बहुत लिमिटेड हो गई है, महदूद हो गई है, और हम गुलाम हो गए हैं गूगल के और नेट के। हमारा मुताला में दिलचस्पी कम होती जा रही है, नतीजा ये हुआ कि हम तालीमी एतबार से जो हमारे अंदर सलाहियत ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए थी वो अब तक, आज लोगों को रागिब करने के लिए, लोगों के अंदर दिलचस्पी पैदा करने के लिए किताब, अब जैसे मौजूदा दौर में आज ये जो डिजिटाइजेशन का दौर है, तो हम तमाम किताबों को डिजिटाइज करें, जो रुचि है या जो दिलचस्पी है जिस सब्जेक्ट में लोगों की, बच्चों की, स्टूडेंट की, उसको हम डिजिटाइज प्लेटफॉर्म से उन तक पहुँचाएँ कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा कि हम लाइब्रेरी की अहमियत, लाइब्रेरी की अफादियत, किताब की अहमियत, किताब की अफादियत लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं और उनको रागिब करें वो किताब की तरफ और लाइब्रेरी की तरफ ना रुख करें। बहुत अफसोस की बात है कि मगरबी बंगाल में उर्दू को सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के डेट में एक भी उर्दू दान को प्यून में की नौकरी नहीं मिल रही है उर्दू ज़ुबान की हैसियत से। हम ये समझते हैं कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ख़ासतौर से ममता बनर्जी, मोहतरमा ममता बनर्जी को उर्दू वालों की जो पसमानदगी है, उनके जो रोजी रोटी की तरफ जो आपने उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया है, उसको मुलाजमत से जोड़कर और जिस तरह से जो हुकूमत के सर्कुलर आ रहे हैं, जहाँ बहाली अपॉइंटमेंट हो रहा है वहाँ बंगला कंपलसरी किया जा रहा है, हम उर्दूदार को ज़रूर मशवरा देंगे कि वो बंगला ज़रूर तालीम हासिल करें, क्योंकि बंगला में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं। लेकिन हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो कम से कम उर्दू या हिंदी कम्युनिटी को नज़रअंदाज न करे, उनको भी मुनासिब जगह मिले। अगर आप एतमाद न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।